हाय फ्रेंड्स, तो चलिए इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी आरबीआई के वेबसाइट पर हूं और अभी जस्ट 20 मिनट्स बिफोर, आई थिंक हाफ एन आवर बिफोर एक रिजल्ट आई है आरबीआई असिस्टेंट मेंस की। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के रिजल्ट में आप देख लीजिए कि मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो इस तरह से ओपन होता है, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक पीडीएफ खुल रहा है 17 पेज का। तो मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्री में ये लोग 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को लेते हैं और मेंस में वही 2.5 को ले लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ स्टूडेंट्स आउट होंगे ही। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो लोग होप को मत खोइए और आप लोग फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि मेरा हार्डवर्क बर्बाद हो गया या मनी बर्बाद हो गया। जो आपने मनी लगा करके जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस, वो जो मनी है आपका, उससे ज्यादा वर्थफुल है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा मनी वेस्ट चला गया है। या आप और एक और मैं बात बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जाम देना ही अपने में एक बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात है। ठीक है, तो आप यदि यहां तक पहुंचे हो तो आप समझ लो कि अभी जो भी फर्दर एग्जाम्स होंगे उसके सारे के सारे प्री एप्स को निकलेंगे, बस आपको थोड़ा सा मेंस के ऊपर वर्क करना है और अपने आप को और थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके और अच्छे प्लानिंग से, कंसिस्टेंसी से अपने आप को कंटिन्यू रखना है। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए। और अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों का रिजल्ट हो गया, तो वो लोग अपने अटेम्प्ट को जरूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था, किस जोन से किया था और आपका जो रिजल्ट है तो वो किस जोन से है। और मैं ही एक ऐसा चैनल था जो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को करवाया था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर कमेंट करिएगा और चैनल में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, अभी तो चैनल नहीं है तो मेरे भी चैनल को थोड़ा सा बूस्टिंग मिलेगा आप लोग के आने से। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।